दूसरा एक नियम और लागू किया गया, पहले प्रवेश के समय आर्ट्स के विद्यार्थियों को और कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी नर्सिंग में प्रवेश दिया जाता है और कॉलेजों द्वारा लुभावने वादे किए जाते हैं कि इसमें भविष्य में बहुत सारे स्कोप है, कई विकल्प खुले हैं, और बाद में जब उन्हें पता चलता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आने के बाद कि उन्हें भविष्य में नौकरियां नहीं मिलेगी, तो ये किस तरह का विद्यार्थियों के साथ न्याय हो, उसी के खिलाफ उसी के विरोध में आज मेल नर्स एसोसिएशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संयुक्त तत्वाधान में पूरे शहर में मुख्य मार्गों से रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है और यहाँ पे एक ज्ञापन दिया है। और ये आह्वान क्या है, अगर विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं मिला, विद्यार्थियों के साथ अगर इसी तरह से खिलवाड़ होता रहा, तो ये लड़ाई जो ये जो आंदोलन आज नीमच से शुरू हुआ है ये पूरे प्रदेश में जारी रहेगा और पूरे प्रदेश में इस तरह से आंदोलन किए जाएंगे जब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिलता।